तो चलिए आज हम आप लोगों को बीएससी सेकेंड ईयर का जो पेपर इंट्रोडक्शन है, जियोलॉजी का जो पेपर इंट्रोडक्शन है वो करवा देते हैं। चलिए हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम बीएससी सेकेंड ईयर जियोलॉजी जियोलॉजी का जो पेपर है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। देखिए यहाँ पर जो पेपर फर्स्ट है, फर्स्ट पेपर वो है कॉर्डेटा, पेपर फर्स्ट कॉर्डेटा है। कॉर्डेटा के गार्डिंग आपको पढ़ना है, कह सकते हैं पहले कॉर्डेटा के गार्डिंग आपको जो पढ़ना है वो फर्स्ट यूनिट में है। एनी कॉर्डेटा एंड सिफेलो कॉर्डेटा, एनी कॉर्डेटा एंड सिफेलो कॉर्डेटा कह सकते हैं, क्या के प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं या फर्स्ट कॉर्डेट्स होते हैं, इसलिए इनको हेमी कॉर्डेटा और सिफेलो कॉर्डेटा भी कह सकते हैं। प्लेस किया गया है यूनिट फर्स्ट में, जब भी आपको यही पढ़ना है हेमी कॉर्डेटा और सिफेलो कॉर्डेटा को, एंड कह सकते हैं यूनिट सेकेंड में आपको पढ़ना है यूरो कॉर्डेटा। यूरो कॉर्डेटा ये जो कह सकते हैं जनरली आप टू थ्री सब फाइलम देख रहे हैं, हेमी कॉर्डेटा सिफेलो कॉर्डेटा एंड यूरो कॉर्डेटा, ये कह सकते हैं कॉर्डेटा का एक फर्स्ट, इनको हम प्रोटोकॉर्डेट्स जल्दी बोलते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स बोलते हैं या फर्स्ट कॉर्डेट्स बोलते हैं। ये थ्री सब फाइलम है, फाइलम कॉर्डेटा के थ्री सब फाइलम है, जल्द इसमें हम एनी कॉर्डेट्स सिफेलो कॉर्डेटा यूरो कॉर्डेट के शुरू करते हैं। और जो यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड इसमें हम हमको जो पढ़ना है वो क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ लोअर वर्टिब्रेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ लोअर वर्टिब्रेट्स की स्टडी करना है। तो सिर्फ क्लासिफिकेशन की स्टडी करना है, इसमें लोअर जो वर्टिब्रेट हैं फाइसेस एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स को प्लेस किया गया है ये इसमें है, और इसको हम इसका क्लासिफिकेशन ही करना है अप टू ऑर्डर विद कैरेक्टर एंड एग्जाम्पल्स, हमको कैरेक्टर भी बताने हैं साथ साथ में एग्जाम्पल भी बताना है और इसके ऑर्डर तक इसका क्लासिफिकेशन करना है। इसी तरीके से जो यूनिट फोर्थ है, यूनिट फोर्थ पेपर फर्स्ट में आप देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ हायर वर्टिब्रेट, जो हायर वर्टिब्रेट की जो डिफरेंट क्लासेस हैं उनका क्लासिफिकेशन करना है। तो इसमें भी कह सकते हैं एप्स हैं एंड एमेलियन अप टू ऑर्डर विद कैरेक्टर एंड एग्जाम्पल, हमको कैरेक्टर भी बताना है इसका, एग्जाम्पल भी बताना है एप्स का एंड एमेलियन का, मेमेंस का कह सकते हैं। तो आपको क्लासिफिकेशन के साथ साथ कैरेक्टर और एग्जाम्पल भी बताना है। तो ये आपका पेपर फर्स्ट है जिसकी स्टडी हम फोर यूनिट्स के अंतर्गत करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब भी पेपर फर्स्ट स्टार्ट होगा कॉर्डेटा का, तो यहाँ हेमी कॉर्डेटा स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट पेपर हम देख लेते हैं जो सेकेंड पेपर है, सेकेंड पेपर कह सकते हैं एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी है। पेपर का नाम ऐसे भी आप नोट कर लीजिए, साथ साथ में यूनिट वाइज थोड़ा बस सिलेबस का इंट्रोडक्शन करवाया गया है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर जो कह सकते हैं फर्स्ट यूनिट है पेपर सेकेंड में, फर्स्ट यूनिट एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन है, एनिमल का जो वितरण है उसके बारे में जो है बताया गया है, जो एनिमल होते हैं जनरली किन किन रीजन में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं राइट कह सकते हैं वर्ल्ड में, या एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो है बताया गया है। जो यूनिट सेकेंड है ये ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन को बताया गया है, ओरिजिन ऑफ लाइफ जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका विकास कैसे हुआ, ये ओरिजिन ऑफ लाइफ कह सकते हैं, और पोल्यूशन जो विकास उसका कैसे हुआ ये आपको यूनिट सेकेंड में आपको बताया गया है। जो यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड इसमें कह सकते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी फर्स्ट, ये टू पार्ट में डिवाइड है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी फर्स्ट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी सेकेंड। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो फर्स्ट है इसमें कह सकते हैं गैमेटोजेनेसिस फर्टिलाइजेशन एंड क्लीवेज की स्टडी हमको करनी है, कि मीन्स गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, गैमेटोजेनेसिस कैसे होती है, कैसे उसका फर्टिलाइजेशन होता है और कैसे क्लीवेज होता है, मीन्स जायगोट का फॉर्मेशन होने के बाद उसका डिवीजन कैसे होता है, कैसे वो जो है एक सेल से दूसरे मीन्स क्लीवेज कैसे होता है, वो इसकी स्टडी करेंगे। अगली यूनिट है पेपर सेकेंड की लास्ट फोर्थ यूनिट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी सेकेंड, डेवलपमेंटल बायोलॉजी सेकेंड क्लीवेज होने के बाद जो जनरली स्टेज आता है इसमें मोरला के बाद ब्लास्टुला का आता है। तो यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ ब्लास्टुलेशन, मीन्स ब्लास्टुला का फॉर्मेशन कैसे होता है, गैस्टुला का फॉर्मेशन कैसे होता है, गैस्टुलेशन की प्रोसेस कैसे चलती है, इस सब की स्टडी करेंगे। जैसे ये सब है आपके पेपर सेकेंड में प्लेस किया गया है।
तो इसी के साथ हम आपको पेपर थर्ड के बारे में बता देते हैं। पेपर थर्ड में आपको क्या पढ़ना है, उसका डेट क्या है और उसके अकॉर्डिंग क्या क्या आपको पढ़ना है। तो चलिए हम लोग थर्ड पेपर को देख लेते हैं। जो हमारा थर्ड पेपर है वो है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री वो जो फिजियोलॉजी है ऐसे हमको शुरू करनी है, जनरल फिजियोलॉजी इन आउटलाइन विद स्पेशल रेफरेंस टू मैमल्स। हमको मैमल्स की फिजियोलॉजी स्टडी करनी है इन आउटलाइन। तो आप देखते हैं इसमें जो फिजियोलॉजी में जो यूनिट फर्स्ट है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में, ये कह सकते हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की स्टडी करनी है, रेस्पिरेशन की स्टडी करनी है, ब्लड एंड सर्कुलेशन। हमको फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन की जो प्रोसेस है कैसे कैसे पूरा डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन कैसे रेस्पिरेशन होता है, ब्लड क्या है और उसका सर्कुलेशन कैसे होता है, ये सब सारी चीज़ों की स्टडी हम करेंगे यूनिट फर्स्ट में। पेपर जो थर्ड है उसकी यूनिट फर्स्ट में स्टडी करने वाले हैं। और जो यूनिट सेकेंड है इसमें फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, उत्सर्जन उत्सर्जन की स्टडी करेंगे एंड ऑस्मोरेगुलेशन, प्रसारण नियंत्रण क्या होता है, न्यूरल ट्रांसमिशन क्या होता है एंड मसल्स के बारे में स्टडी करेंगे। न्यूरल ट्रांसमिशन मिशन कह सकते हैं, इसके साथ साथ मसल्स की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है यूनिट थर्ड फिजियोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। जो एंडोक्राइन सिस्टम है मीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स पाई जाती हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। ऐसी ग्लैंड्स जो डक्टस होती हैं उन्हीं को हम एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो आप कह सकते हैं फिजियोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन सिस्टम एंड थर्मोरेगुलेशन की स्टडी करेंगे। थर्मोरेगुलेशन कह सकते हैं ताप नियंत्रण जिसको कहा जाता है। इसकी नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट है कह सकते हैं ये, इसमें स्टडी करेंगे जनरल केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स की, इन सब चीज़ों की स्टडी करेंगे। इसमें जनरल केमिस्ट्री देखेंगे कार्बोहाइड्रेट की, उसका कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग, लिपिड्स एंड प्रोटीन एंजाइम्स। तो ये आपका कह सकते हैं ऑल थ्री पेपर्स हैं जो 50-50 मार्क के होने वाले हैं। 50-50 मार्क कह सकते हैं ये होने वाले पहले पेपर आपका 50 मार्क का होगा और कह सकते हैं 50 मार्क का आपका प्रैक्टिकल होगा, 50 मार्क का प्रैक्टिकल होगा और 50-50 मार्क के थ्री पेपर्स आपके होंगे। टोटल कह सकते हैं मैक्सिमम मार्क होगा 200 का होने वाला है। और बीएससी फर्स्ट ईयर में जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था वो ऑब्जेक्टिव टाइप में हुआ था, लेकिन यहाँ पर सेकेंड ईयर में डिस्क्रिप्टिव टाइप का होने वाला है। तो आप लोग जो है इस तरीके से अपने सिलेबस को जान लीजिए और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।